हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश और आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि आपके जैसे कुछ पेशेंट्स ने मेरी वीडियो को फॉलो किया और उनको आराम मिला। तो डॉक्टर्स के लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब पेशेंट्स को उसको आराम मिले और उसको अपनी सक्सेस स्टोरी बताए। तो कुछ इस तरह के पेशेंट्स हैं मेरे पास जो कि जैसे कि एक अभी मैं जिनका आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ, पाकिस्तान के एक पेशेंट हैं मिस्टर मलिक अमानत जी। इन्होंने मेरे वीडियो को फॉलो किया और एक्सरसाइज भी करते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पर बात भी करी और अपना गाइडेंस टाइम टू टाइम लेते रहे और आज ये काफ़ी बेटर कंडीशन में है। तो इनका रिव्यू मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ और इनको देखने के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से हमारी वीडियोज़ को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ। कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो आइए देखते हैं, रिव्यू लेते हैं अपने पेशेंट्स का, मिस्टर मलिक अमानत जी का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मलिक अमानत और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं IVN पेशेंट हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट डॉक्टर विजय के साथ है जिनकी वजह से मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि AVN में मुझे किस तरह स्टार्ट हुआ और किस तरह मुझे पता चला। 2013 में मुझे AVN स्टार्ट हुआ जबकि मुझे हिप जॉइंट में पेन होने लगा और उसके बाद मुझसे चला नहीं जाता था और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता था। बल्कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं सिर्फ रेस्ट करता था, ना चलता था, ना भाग सकता था, ना बैठ सकता था। भागना तो दूर, मुझसे तो चला भी नहीं था जाता सही से। उस बीमारी की वजह से मेरा पेल्विस टिल्ट हो गया और 3 इंच मेरी एक टांग लंबी और 3 इंच एक टांग छोटी हो गई पेल्विस टिल्ट होने की वजह से। जबकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स करवाई और एक्सरे करवाई जिसमें पता चला कि कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ मेरे जॉइंट में जिसकी वजह से मुझे AVN हुआ। तो मैंने क्लोरोफिल वक्त उसी टाइम अच्छे से अच्छा पाकिस्तान में डॉक्टर अप्लाई करवाया और दिखाया और उन्होंने मुझे मेडिसिन चाहिए। सो मेरी पहली कोशिश डॉक्टर विजय से जाकर मिलने की और अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाने की है। मैंने फिर भी टाइम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आप टाइम ज़ाया ना करो, आप घर में मेरी एक्सरसाइज फॉलो करो। और मैंने डॉक्टर की बात मानते हुए घर में एक्सरसाइज फॉलो की और जिसकी वजह से मुझे बहुत इम्प्रूव आया। जैसा कि मैं हर एक्टिविटी करता था कुछ दिक्कत आती थी, थोड़ा सा पेन महसूस होता था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता था, लेकिन अब मैं उनकी एक्सरसाइज को करने के बाद मैं वो सब काम कर सकता हूँ और कुछ बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है मेरे पर। तो मैं AVN के जितने भी पेशेंट हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप देर ना करें। अगर आपको कोई मसला है पहले आप अपनी बीमारी के बारे में अच्छी तरह जाँच व पड़ताल कर लें कि आपका मसला किस चीज़ का है। हाँ, अगर जिनको AVN है तो वो डॉक्टर, मैं उनको सजेस्ट करूंगा डॉक्टर विजय। और AVN पेशेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 2013 से जब मैं 13 साल का था तब मैं इस बीमारी पे मुबतला था, तो अब माशाल्लाह मेरे 20 ईयर्स हैं, यानी कि मुझे 7-8 साल हो गए हैं मुझे। तो AVN में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घबराया नहीं। मैंने एक्सरसाइज की, कुछ अपना वार्म अप किया जिसकी वजह से मैं 100 में से 90% ठीक हो गया हूँ। 10% वो भी पेल्विस टिल्ट की वजह से मुझसे थोड़ा सा चला नहीं जाता, चल जाता हूँ मैं थोड़ा सा एक टांग दबा के चलता हूँ। वो मैंने डॉक्टर से बात की, अपने एक्सरसाइज किए तो उन्होंने बताया कि बेटा आपका बीमारी की वजह से पेल्विस टिल्ट हो जाता है। तो टिल्ट एक्टिविटी करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत सी ऐसी काम करने लगा जो कि नामुमकिन थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज़मीन में भी बैठ सकता था और चलता फिरता भी सही था, पेल्विस टिल्ट था तो वो भी इम्प्रूव हो रहा था, 2 इंच इम्प्रूव हो गया था, 1 इंच सिर्फ डिफेक्ट रह गया था। तो 2020 तक भी मुझे कुछ कुछ बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने जब यूट्यूब में डॉक्टर विजय को देखा तो मैंने फिर थोड़ा वक्त इनसे कॉन्टैक्ट किया। मैं बताता चलूँ आपको कि मैंने जब इनसे कॉन्टैक्ट किया तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ। इनकी कुछ मेडिकल एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको मैंने फॉलो किया, 15 डेज इनकी वीडियोस मैंने देखी और मैंने वो एक्सरसाइज अपने घर में फॉलो की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना है दुनिया पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से अपनी अपनी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किए हुए हैं। हुकूमत की लॉकडाउन की वजह से हम आउट ऑफ सिटी टूर नहीं कर सकते, तो या आउट ऑफ कंट्री टूर नहीं कर सकते। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता तो मेरी पहली कोशिश डॉक्टर विजय से जाकर मिलने की और अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाने की है। मैंने फिर भी टाइम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आप टाइम ज़ाया ना करो, आप घर में मेरी एक्सरसाइज फॉलो करो। और मैंने डॉक्टर की बात मानते हुए घर में एक्सरसाइज फॉलो की और जिसकी वजह से मुझे बहुत से इम्प्रूव आया।
जैसा कि मैं हर एक्टिविटी करता था कुछ कुछ दिक्कत आती थी, थोड़ा सा पेन महसूस होता था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता था, लेकिन अब मैं उनकी एक्सरसाइज को करने के बाद मैं वो सब काम कर सकता हूँ और कुछ बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ। मैं उनको फॉलो किया और जब मैंने उनको फॉलो किया तो रिजल्ट मुझे खुद मिले हैं तो मैं उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट में गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाना चाहता हूँ। तो कोरोना की वजह से मैं नहीं जा सका, अब जैसे कोरोना खत्म होता है तो मेरा पहला काम यही कि मैं डॉक्टर विजय के पास जाऊं और उनको जाके अपना ट्रीटमेंट दिखाऊं और अपनी एक्टिविटी दिखाऊं और उनसे अपना ट्रीटमेंट जारी करवाऊं और मुकम्मल करवा के मुकम्मल ठीक हो जाऊं। पेल्विस टिल्ट वाले भी भाई जो मेरे हैं जिनको मसला है वो डॉक्टर विजय के पास आए, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे एक्सरसाइज पूछें और फॉलो करें, इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। एवियन पेशेंट और पेल्विस टिल्ट दोनों का ट्रीटमेंट डॉक्टर विजय कर रहे हैं, उसके अलावा और भी वो स्पेशलिस्ट हैं वो जॉइंट के लिए। तो आपको मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर विजय से बात करें, कॉन्टेक्ट करें, उनको अपना मसला बताएं, अपनी बीमारी बताएं और अपनी बीमारी को फिल और फौरन पकड़ें और उसको ठीक करें, मजीद खराब होने ना दें। तो कुछ ऐसी पॉइंट जो डॉक्टर विजय मना करते हैं तो ये नहीं है कि वो आप पूरी सारी जिंदगी वो काम नहीं कर सकते, मैं मिसाल हूँ इस चीज़ की। हाँ, कुछ वक्त के लिए आपको सब कुछ रोकना पड़ता है। कुछ वो चीज़ें थी जो मैं सोचता था कि शायद ये मेरे लिए नामुमकिन है, तो जिसमें से 17% मैं कर रहा हूँ और बाकी जो 30% या 40% है वो मैं इस एक्सरसाइज और डॉक्टर विजय के ट्रीटमेंट के बाद मुझे। तो ये थे मिस्टर मलिक अमानत जी। तो आपने देखा कि ये किस तरह से इन्होंने अपना एवियन की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। इनको पेल्विक टिल्ट भी था, पेल्विक टिल्ट के लिए इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और एक्सरसाइज को मैंने इनको लिंक भेजा है कि ये एक्सरसाइज आपको पेल्विक टिल्ट के लिए करनी है और आज उनका पेल्विक टिल्ट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। बाकी कोरोना जब ठीक होता है तो फिर उसके बाद ये हमारे पास आएंगे और संपर्क करेंगे और एक्सरसाइज ट्रीटमेंट करवाएंगे, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इनको और बेटर आराम मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह से वीडियोज़ को और मेरे बताए हुए गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूँगा। मेडिसिंस जो है जितना हम भेज सकते हैं आपको, कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ वहाँ तक अभी हम भेज रहे हैं, लगभग ऑल ओवर इंडिया जा रही है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है मगर फिर भी कोशिश करेंगे आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की। और आप लोग अपनी एवियन की प्रॉब्लम को, पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम को और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए सो दैट कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए कि सो दैट कि आपको और बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकूँ। नमस्कार।